सेकेंड सितंबर के बैन के बाद भाई इंडिया में ई स्पोर्ट्स का माहौल इतना ठंडा पड़ गया कि पूछो मत गाइस। PMGC हो रहा है और आप तो देख ही रहो कितनी अच्छी अच्छी टीम्स परफॉर्म कर रही है। तो गाइस अंडरडॉग के लिए एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ऑर्गेनिक टूर्नामेंट लेके आ चुका हूँ गाइस। सो इस ट्रेलर को जरूर देखिए और ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। सो गाइज विद अ मिनिमलिस्टिक एंट्री फी ऑफ 200 रुपीज़ आपको मिलने वाला है एक 55,000 रुपीज़ के प्राइस पूल का टूर्नामेंट गाइज, जो कि इस समय बैन के वक्त कोई भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है आपको। वी आर डूइंग इट, वेटर नेशन इज डूइंग विद अलॉन्ग विद डिस्ट्रक्टिव क्लचर्स एक और है एंड इसमें होने वाले हैं सिर्फ 400 स्लॉट्स। तो गाइज बहुत जल्दी फेल होंगे। हाई स्किल्स वाली टीम्स को फाइनल्स में मिलने वाले 3K का प्राइस पूल गाइज, तो जल्दी जल्दी आप लोग अप्लाई कर दो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी होगी, एक गूगल फॉर्म होगा जिसे आपको फिल करना है, उसके बाद ही आपकी एंट्री कन्फर्म होगी। सो गाइज दैट गूगल फॉर्म इज ऑल्सो लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्राइस पूल की। तो गाइस प्राइस पूल होने वाला है कुछ इस तरह का, फर्स्ट विनर को मिलेगा गाइस 15,000, पहले विनर को 15,000, देन वी हैव 10,000 एट सेकंड पोजीशन, देन उसके बाद थर्ड पोजीशन वाले को मिलेगा 7,000 रुपीज़, फोर्थ पोजीशन वाले को मिलने वाले 5,000 रुपीज़, फिफ्थ पोजीशन वाले को मिलेंगे 3,000 रुपीज़ एंड 6th to 16th पोजीशन को मिलेगा 1,000 रुपीज़। समझ रहे हो भाई, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने का मौका मिलेगा। फाइनल्स में जो टीम 16 पहुंच गई उन सबको प्राइस पूल मिलने वाला है गाइस, गारंटेड प्राइस पूल मिलेगा उन 16 की 16 टीम्स को। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको 200 रुपीज़ की एंट्री फी जमा करनी है, उसके बाद हम ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका मैं आपको आगे बताता हूँ रोड मैप किस तरह का होने वाला है। एंड हाँ गाइस, ई सर्टिफिकेट जो बेटर नेशन हमेशा प्रोवाइड करता है, हमारे PMVL होते हैं, PMVC होती है या फिर वेटरन्स लीग होती है, हम हमेशा ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं गाइस, तो वो ई सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, उसका डिस्क्रिप्शन भी मेरे लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे हमारे जो रोड मैप है, तो रोड मैप में सबसे पहले हम देखेंगे भाई हमारे नॉकआउट टूर्नामेंट्स होंगे, नॉकआउट जो ग्रुप होगा हमारा उसमें 400 टीम्स होने वाली हैं, फिर 20 ग्रुप्स बनाएंगे उनका और 20 टीम्स ईच एक ग्रुप में होने वाली है, सिर्फ 8 टीम्स उसमें से क्वालिफाई करेंगी। ठीक है गाइस, तो फिर क्वालिफायर्स में हमारे पास बच जाएंगी 160 टीम्स का भी 8 ग्रुप बनाएंगे और उसमें से भी टॉप 8 क्वालिफाई ही होंगी बस। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे क्वार्टर फाइनल्स की। तो गाइस क्वार्टर फाइनल्स के अंदर हमें मिलेंगी 80 टीम्स अगर इस तरह से हम चले, एंड उसके बाद जो हमारी क्वालिफाइड टीम्स होंगी वो तो होंगी, उसके अलावा हम सिर्फ 18 टीम्स उसमें वाइल्ड कार्ड देने वाले हैं। तो इन वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू हमारा बन जाएगा 4 ग्रुप और 4 ग्रुप में से भी हम 8 टीम्स ही क्वालिफाई करेंगे। ठीक है गाइस, देन वी विल हैव 40 टीम्स, 40 टीम्स होने के बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, 32 टीम्स हमारी क्वालिफाइड होंगी और 8 टीम इनवाइटेड रखेंगे। इनवाइटेड टीम्स का ऐसा सीन होगा सेमीफाइनल्स में कि इनमें से भी सिर्फ टॉप 8 क्वालिफाई होंगी 40 टीम्स में से, मतलब एक दो ग्रुप पे बनेंगे 40 टीम्स के, 20-20 ग्रुप्स के बनेंगे, 20-20 टीम्स के, इनमें से भी सिर्फ टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई होंगी और आगे फाइनल्स में प्रोसीड करेंगी वो टॉप 8-8 टीम्स जो दोनों ग्रुप से होंगी। दैट मीन्स टोटल 16 टीम्स होने वाली है फाइनल्स के अंदर। फाइनल्स के अंदर कोई मचमच नहीं होगी, कोई इनवाइटेड नहीं, कुछ नहीं, जो अंडरडॉग टीम्स परफॉर्म करेंगी सिर्फ वही जाने वाली है। सो दिस इज इट गाइस, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आप लोगों को पता चल गया होगा टूर्नामेंट का पूरा सीन क्या गाइस। अगर कोई भी डाउट रहता है तो भाई इंस्टाग्राम के दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिंक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्लचर्स और वेटर नेशन के यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मेरा डिस्कॉर्ड लिंक दिया है गाइस, इफ यू वॉन्ट एनी क्लैरिफिकेशन आप लोग वहाँ आ सकते हो, VC में हमेशा मैं अवेलेबल रहूँगा।